ज्या मुख्याध्यापकांची बदली आपण सांगतात तो मुख्याध्यापक हा ते चेअरमन असताना बोर्डाचे इलिगलरित्या त्यांना प्रायमरी टीचरपासून ते मुख्याध्यापक म्हणाले हे इलिगल आहे, ती इलिगलिटी मी कमी केली आहे, याच्यात वैयक्तिक कायला मला समजलं नाही, त्यांच्या प्राध्यापक मुख्याध्यापकाला केलं नाही, महापालिकेतलाच एक इलिगल प्रोसेस झाली होती, ती इलिगल प्रोसेस मी लिगलाइज केलेली आहे, इलिगल त्यांच्यावरती कारवाई केलेली आहे। कुछ घंटों के अंदर ही उनको लिखित स्वरूप में वहाँ पर दिया है कि ये जो आपने आरोप लगाया है गलत है, सरासर गलत है, मैंने लेटर लिखा है और उनको सप्ताह में माफ़ी मांगने के लिए किया, अगर नहीं माफ़ी मांगेंगे वो तो इसके लिए उनको आगे भुगतना पड़ेगा और उसका सामना करना पड़ेगा, उसके खिलाफ हम मानहानि का दावा भी दाखिल करेंगे। रबाल स्थित मनपा स्कूल क्रमांक 78 के प्राथमिक हिंदी विद्यालय के प्राचार्य को मनपा प्रशासन द्वारा हटाकर उनकी बदली किए जाने के बाद अब महापौर सुधाकर सोनावणे और मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे के बीच चल रही सियासी लड़ाई ने अब और तूल पकड़ लिया है। आयुक्त तुकाराम मुंढे द्वारा खुद को तंग करने और अपमानित करने का आरोप हाल ही में महापौर सुधाकर सोनावणे ने पत्रकार परिषद में लगाया था। ऐसे में आयुक्त तुकाराम मुंढे ने महापौर पर शिक्षण समिति सभापति रहते हुए अवैध तरीके से उक्त प्राचार्य की पदोन्नति कर प्रक्रिया में धांधली करने का आरोप कुछ दिनों पहले संपन्न हुए वॉक विद कमिश्नर अभियान के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए लगाया। तुम्ही हा विषय काढलेला आहे तर ज्या मुख्याध्यापकांची बदली आपण सांगतात तो मुख्याध्यापक हा ते चेअरमन असताना बोर्डाचे इलिगल रित्या त्यांना प्रायमरी टीचरपासून ते मुख्याध्यापक म्हणाले हे इलिगल आहे, ती इलिगलिटी मी कमी केली आहे, याच्यात वैयक्तिक कायला मला समजलं नाही, त्यांच्या प्राध्यापक मुख्याध्यापकाला केलं नाही, महापालिकेतलाच एक इलिगल प्रोसेस झाली होती, ती इलिगल प्रोसेस मी लिगलाइज केलेली आहे, इलिगल त्यांच्यावरती कारवाई केलेली आहे, त्याच्या वैयक्तिक असण्याचं कारण नाही आहे, आणि त्यांना जर वैयक्तिक म्हणून त्यांनी दिलं असेल तर चुकीचं आहे। वहीं इसी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए महापौर सुधाकर सोनावणे ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए यह कहा कि उन्हें इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि महापौर होने के नाते उन्हें बदनाम करने के लिए साजिश रची जा रही है, ऐसे में आयुक्त उनसे माफी मांगे, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ मानहानि का दावा किया जाएगा। इस पे मैं भाष्य नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये विषय काफी दिनों से चर्चा में है, जहाँ आदमी सोया हुआ है उसे जगाया जा सकता है, जिसने सोचा ही है कि हमको जानबूझकर इसको नहीं देखना है तो उसको वहाँ पर कुछ नहीं किया जा सकता है। हमने पहले उनसे विजिट करवाया था और पहले विजिट में उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया था, लेकिन मालूम नहीं उन्होंने क्या राजनीति शुरू कर दी है और उनके मन में क्या है, लेकिन उससे हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब सारी दुनिया का विरोध था तब हमने इसको शुरू किया और यहाँ तक पहुँचा है। अब तो हम मेयर हैं, अब बड़े होदे पर है, तो अब इसके जैसे आदमी कितने आएंगे कितने जाएंगे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने कुछ घंटों के अंदर ही उनको लिखित स्वरूप में वहाँ पर दिया है कि ये जो आपने आरोप लगाया है गलत है, सरासर गलत है, मैंने लेटर लिखा है और उनको सप्ताह में माफ़ी मांगने के लिए किया, अगर नहीं माफ़ी मांगेंगे वो तो इसके लिए उनको आगे भुगतना पड़ेगा और उसका सामना करना पड़ेगा, उसके खिलाफ हम मानहानि का दावा भी दाखिल करेंगे, क्योंकि जो गलत है गलत है, फाइल आप पढ़ते नहीं हो, कन्फर्मेशन लेते नहीं हो, जो मुंह में आए अनप शनप बोल देते हो, ये किसी आईएएस अधिकारी को शोभा नहीं देता है। आप बहुत बड़े ऑफिसर है, आपको ऐसी हवा में बात नहीं करनी चाहिए, और वो भी आम आदमी के लिए नहीं बल्कि नई मुंबई के शहर के मेयर के बारे में आप जब बात कर रहे हो तो उसको पूरे होशो हवास में और पूरे कन्फर्मेशन के साथ में बात करना चाहिए था। उन्होंने ये जो लूज टॉक किया है उसके लिए उनको निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। ब्यूरो इनपुट, ईडब्ल्यू नेटवर्क।